हेलो दोस्तों, आज जो है थर्ड पद हम पढ़ लेते हैं, तीसरा पद हम पढ़ लेते हैं इस वीडियो में। चलिए, बिहसु लखनऊ बोले मृदुवानी, अहो मुनिषु महाभट मानी। अब जो है लखन जी मृदुवानी मतलब अब लखन जी जो है मतलब अपने क्या बोल रहे हैं, अपने कठोर आवाज़ में बोलते हैं, मतलब अपमान करते हुए ऋषि का बोलते हैं। अरे अहो मुनिषु महाभट मानी, मतलब आप तो अपने आप को, हे मुनि, आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझ रहे हैं। पुनी पुनी मोई दिखाऊ कुठारू, पुनी पुनी मतलब बार 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 आप मुझे कुठारू मतलब कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, जैसे कि आप एक फूक में ही पहाड़ उड़ा डालेंगे। यहाँ कुमार बतिया कोई नहीं, जे तर्जनी देखी मर जाही। यहाँ जो है कौन मतलब कोमल मतलब कमज़ोर कोई नहीं है, इतना कमज़ोर यहाँ कोई नहीं है जो आपकी तर्जनी मतलब उंगली देख के ही डर जाएगा या मर जाएगा। जे तर्जनी देखी मर जाही, मतलब आपकी तर्जनी देख के जो है मर जाएगा। देख कुठारू सरासन बाना, मैं कुछ कहा सही तभी माना। अब जो है अस्मर जी कह रहे हैं कि मैं ऋषि मुनि के हाथ में जो है कुठार देकर थोड़ा सा अपनी हिम्मत ला के अंदर मैं कुछ बोला। ब्रिग सूत समझी जनुही बिलो की, जो कुछ कहूँ सही सृसरो की। अब कह रहे हैं कि मैं आपको संत समझकर आपकी जो भी आप कुछ कह रहे हैं, मैं अपने गुस्सा को रोक को अपने मतलब क्रोध को रोक कर सह रहा हूँ। जो कुछ कहूँ सहे रिसरो की, मतलब अपने आप जो भी कुछ कह रहे हैं मैं अपने रिस को मतलब गुस्से को रोक कर सह रहा हूँ। रिस मतलब गुस्सा। सूर महीसुर हरिजन अरुई गाय, सूर मतलब आपका क्या हो जाएगा, महीसुर मतलब सूर, हरिजन मतलब क्या हो जाएगा, हरिजन में हो जाएगा आपका भक्त होता है, गाय मतलब गाय होता है, सूर भगवान, महीसुर आपका क्या हो जाएगा, ऋषि मुनि। देखिए भगवान भक्त ऋषि और गाय पे हमरे कुल इन पर न सुराई, मतलब इन सभी पे चारों पे हमारी जो कुल है इन पे अपनी वीरता अपने अपने बल पराक्रम नहीं दिखाता है। किस पे किस पे, तो भगवान ऋषि भक्त गाय पे। बधे पाप अपकीर्तिहारे, मारहूँ पाव परी तुम्हारे, मतलब हम अगर आपसे युद्ध करते हैं तो हम पाप के भांति होंगे। मारतहूँ पाय परी तुम्हारे, आप हमको मारेंगे भी, मारतहूँ मतलब आप जितना भी हमको मारेंगे फिर भी हम आपके पैर ही पड़ेंगे। पाप परी है तुम्हारे, कोटि कुलीस समवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरुही धन बान कुठारा। यहाँ लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आपका वचन ही इतना कठोर है कि आप जो है धनुष धार मतलब धनुष बार धारना तो आप मतलब व्यर्थ ही में आप धारण किए हुए हैं धनुष बार। जो भी लोग अनुचित कहे छमोही महामुनि धीर, मतलब अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिएगा अगर मैंने कुछ अनुचित कहा होगा। मुनि सरोस समनी बोले गिरा गंभीर, अब जो है कौन परशुराम जी बहुत गंभीरता से बोलते हैं, आगे बोलते क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।